नमस्कार, मैं हूं श्याम तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास शो वोटर गंगा किनारे वाला, जिस पर आज हम बात करेंगे कानपुर की। कानपुर वो शहर जिसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। कानपुर वो शहर है जहां ब्रह्मावर्त की खूंटी है कहा जाता है। यहां से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और यह ब्रह्मांड का केंद्र है। वहीं कानपुर की जब बात होती है तो बात होती है 1857 की क्रांति की, जहां कानपुर के रण बांकुरों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। कानपुर शहर की समस्याओं के बारे में आज हम जानेंगे, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले 5 सालों में यहाँ कितना काम हुआ है। क्या वो सरकार की नीतियों से खुश हैं या फिर वो इस बार बदलाव चाहते हैं। चलते हैं गंगा के इस सफ़र में। कानपुर के गंगा बैराज के पास स्थित है अटल घाट। अटल घाट से हम पर्वत तक की यात्रा पर निकले हैं, नाव से इस सफ़र को तय करेंगे और इस दौरान लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या वास्तव में कानपुर में 5 साल में विकास हुआ है। इस बार वोटर क्या सोचता है, क्या वो बीजेपी को रिपीट करना चाहता है या फिर उसकी सोच बदलाव की है, क्योंकि गंगा को लेकर तमाम घोषणाएं भी की गई, तमाम स्कीम्स भी चलाई गई, उन स्कीम्स का क्या असर है ये भी देखेंगे। घाटों पर दिखाई पड़ेगा क्या वास्तव में कुछ काम हुआ है या फिर सिर्फ कोरे वादे हुए हैं। कानपुर के लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या सरकार ने केवल घोषणाएं की हैं या वास्तव में धरातल पर भी कुछ काम हुआ है। भाई साहब, ये बताइए कि तमाम गंगा को लेकर तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, क्या लगता है कानपुर में कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है, निश्चित बदलाव हुआ है। पहले की तुलना हम देखते हैं, हमारा बचपना भी यहीं बीता है और हमारी युवावस्था बुढ़ापा में आ गए हैं, तो अभी जो हम बदलाव यहाँ देख रहे हैं ऐसा कभी बदलाव नहीं देखा, जितना यहाँ विकास कार्य पहले कभी इतना नहीं हुआ जितना कि अभी इस टाइम पे हुआ। लेकिन एक पीड़ा भी है, पीड़ा ये है कि जिस हिसाब से विकास हुआ है उसी हिसाब से विकास हुआ है चालानों में, वाहन के चालान इतने अधिक किए जाते हैं कि इसकी भी हमको पीड़ा है। इसीलिए अब हमने निश्चय कर लिया है कि हमने अपने सारे वाहन बेच दिए हैं, अब आप जिसका मर्जी है उसका चालान करो। अब मैं सांड पालने जा रहा हूँ। सांड क्यों पालने जा रहे भाई? सांड इसलिए पालना है कि उसका चालान नहीं होना, आजादी से जहां मर्जी आए घूमो। तो बीजेपी दोस्ती है इसके लिए? बीजेपी के प्रतिनिधि, एक मैं आ रहा हूं आपके पास, आप बताइए भाई साहब, ये क्या कानपुर की बड़ी समस्या है? आप बीजेपी में हैं, आपकी सरकार है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि कमर्शियल वाहनों का बड़ा चालान किया जा रहा, बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का, क्या लोगों को जागरूक करने के लिए इतना बड़ा नुकसान करने की जरूरत है? देखिए, निश्चित तौर पर पहले तो एक बात कहेंगे कि जो आपका शो है गंगा किनारे वाला और माँ गंगा के तट से हम लोगों ने इस शो को शुरू किया है, आपको बहुत बहुत बधाई है, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई है। और खुद ही उन्होंने कहा गंगा अविरल निर्मल दिख रही है, काम हो रहा है, विकास हो रहा है। इनका जो दूसरा सब्जेक्ट है कि चालान हो रहा है, निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि अगर कानून का पालन नहीं होगा, कानून तोड़ के कोई काम करेगा तो इस सरकार में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। सर काटने और पैर काटने जैसी कोई बात नहीं है, जैसा हमारे सज्जन बोल रहे हैं, ना हम किसी का सर काट रहे हैं ना किसी का पैर काट रहे हैं, हम कानून के पालन को करा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं धरातल पर। और रही बात चालान की, तो सारी फिटनेस लेके चले, निश्चित तौर पर चालान नहीं होगा। एक भी व्यक्ति अगर ये बात बता दे कि हमारी गाड़ी के पूरा फिटनेस था, मेरी गाड़ी के पूरे कागज़ थे, हमने सारी यातायात के नियमों का पालन किया था, उसके बाद भी अगर किसी ने चालान किया है तो मैं उसका जवाब ही नहीं दूंगा, उस पर बोलूंगा भी और कोशिश करूंगा कि जो व्यक्ति इस तरीके कृत्य कर रहा है सरकार को बदनाम करने का कि बगैर किसी आधार के चालान कर रहा है, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करी जाएगी। निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सपा के प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, जो कहा जा रहा है कि लगातार चालान हो रहे हैं लोगों के, गलत तरीके से चालान किया जा रहा है, जुर्माना ज़्यादा वसूला जा रहा है। देखिए, चालान की जहाँ तक बात हमारे साथी ने कही, तो चालान मैं अपने मेरे वाहनों के चालान मेरे नाम से जब आप निकलवा लेंगे तो 25-30 हज़ार रुपये के चालान। कभी कभी लखनऊ में हमारी गाड़ी विधानसभा के लिए जाती है और क्योंकि गाड़ी जब भीड़ होती है तो किनारे लगा दी जाती है, तो वहाँ पे लखनऊ पे हमारे चालान किए गए। मैं अपने स्वयं के चालान, अगर अभी आप अभी आरटीओ के उसमें जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि मोहम्मद हसन के नाम से कितने चालान हैं। तो चालानों की बात हमारे साथी ने कही, तो 100% इस समय जितना भी प्रशासनिक अधिकारी है वो सरकार को खुश करने के लिए ऐसे काम कर रहा है कि जैसे लगता है कि सरकार जनविरोधी हो। इन लोग धार्मिक आधारों पर, धार्मिक प्रयोजनों पर
पैसे का आवंटन विभागों से कराते हैं तो उस पैसे के आवंटन में निश्चित रूप में जो सत्ता संरक्षित ठेकेदार हैं उन लोग किस तरीके से कमाई करते हैं। अब आप देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सामने चले आइए, आपका कैमरा जा भी रहा है, तो पानी की क्वालिटी आपको कैसी होती जा रही है आपको नज़र आता जाएगा। हम लोग सब लोग इस कानपुर में जीने मरने के लिए जितने लोग बैठे हैं अपने कानपुर को अच्छा बनाने के लिए हमेशा अच्छी बात करेंगे। सत्ता कोई भी हो, हमें इसका कोई हम वो नहीं, अगर आपका कोई अच्छा काम होगा तो हम उसको कभी भी बुरा नहीं कहेंगे। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो उसको भोगने के लिए जनता के अंदर वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, भाईचारा सद्भाव के बीच। एक बार फिर से चलेंगे और जनता से ही जानेंगे कि और क्या समस्याएं कानपुर की हैं, क्या वास्तव में कानपुर में विकास हुआ है। भाई साहब ये बताइए, गंगा किनारे क्या कानपुर में विकास हुआ है? कहा जाता है कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया तमाम योजनाओं के नाम पर, नमामि गंगे सर की तमाम योजनाएं चली हैं, क्या कानपुर बदला है उनसे? कानपुर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। गंगा किनारे अगर आप देखेंगे तो अप्रैल माह है, अप्रैल माह में पानी इतना गंदा होता था, आज पानी आप नीचे कोई भी वस्तु रख के देख सकते हैं, दिखाई पड़ेगी, पानी पूरी तरह साफ है। जो भी लोगों को शिकायत है तो पूरी यहाँ से लेके नाव तक तो संभव नहीं है कि एक समान गंगा के किनारे हो जाए। गंगा किनारे बराबर पानी रहता है और उस पानी को पूरे शहर में सप्लाई किया जाता है। किसी भी शहर के विकास के लिए नदियाँ बहुत अहम होती हैं। नदियों किनारे कानपुर भी बसा हुआ है, इसे कभी औद्योगिक शहर कहा जाता था लेकिन इसका यह स्वरूप धीरे धीरे खोता चला गया। क्या मानते हैं कानपुर की मुख्य समस्याएँ क्या हैं? कानपुर की मुख्य समस्या मैं एक दीर्घकाल से सुनता चल रहा हूँ, यहाँ पर मीलों को लेकर चर्चा होती थी कि मीलों का शहर है, मीलें बंद हो गई हैं। उस पर प्रयास हो रहा है निरंतर मीलों को प्रारंभ करने के लिए। कानपुर की मुख्य समस्या एक लंबे समय तक मीलों की बंदी ही कहा गया है। बाकी कानपुर की मेट्रो आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आसपास के सारे महानगरों में जितनी तेज़ी से मेट्रो का जाल अपने कानपुर नगर में बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से ना लखनऊ में बढ़ा ना अन्य किसी शहर में बढ़ा। तो भाई साहब कुछ विकास कार्य हुआ 5 सालों में कानपुर में, क्या क्या विकास हुआ? बहुत विकास हुए, आप चारों तरफ देख लीजिए, विकास ही विकास तो हुए। आज से 10 साल पहले क्या विकास हुए थे, रोड देख लीजिए, नाला देख लीजिए, हर घर में पानी व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है और लाइट की व्यवस्था है सारे घर पे, यहाँ से लेके ग्रामीण में देख लीजिए, नगर में देख लीजिए, सारी विकास है। आने वाले समय में मोदी जी की हैट्रिक होने जा रही है, उस पर और विकास होगा। मोदी जी की हैट्रिक होगी? भाई साहब क्या लगता है आपको, हैट्रिक होगी? होगी। क्यों? क्योंकि इतना विकास हो रहा है और इतना सब कुछ बढ़ रहा है आगे, इस वजह से हैट्रिक तो होगी होगी। कानपुर में क्या परिवर्तन देखते हैं आप, क्या बदलाव आया है पिछले 5 सालों में? काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं, क्या बोलते, मेट्रो और सफाई और डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है, भाई साहब ये बताइए क्या लगता है कानपुर के क्या सूरत बदली है इधर पिछले 5-10 सालों में या फिर ख़राब हुई है? बिल्कुल सूरत बदली है, जैसा कि हमारे केसा में देख लीजिए, जो लाइनें बिछी हुई थी जो अब अंडरग्राउंड हो रही हैं, जिससे जो है बढ़िया सुविधाएँ हो जाएंगी और बाकी विकास का कार्य हो रहा है, बाकी गुंडामय मुक्त प्रदेश हो गया है अपना, बस यही कहना। गुंडा मुक्त प्रदेश हो गया है आपका, आप ये कह रहे हैं कि जो भू माफिया है, जो माफिया है उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हुई, आप बताइए क्या लगता है कि बीजेपी के कार्यकाल में माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा गया, कानून का राज कायम हुआ है? देखिए, दो तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। एक वो माफिया जिन्होंने ये लगा कि अब हम इस जहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो तुरंत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ऊपर से लेकर नीचे तक अगर वो माफिया भारतीय जनता पार्टी में चला गया है तो उसके माफिया के नाम के आगे से नाम हट गया, श्री लग गया है। और अब जो दूसरा माफिया जिसको आप तथाकथित माफिया का नाम देते हैं, अभी आपने किसी भी माफिया की बात कर लें तो माफिया अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में माफिया है तो कस्टोडियल डेथ क्यों हो रही है? तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो नदी है जिसमें उसमें डुबकी लगाकर सारे पाप को धुला देंगे वो। गंगा जी के लिए कहा जाता है कि मोक्षदायिनी है, पतित पावनी है, गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप धुल जाते हैं। बीजेपी के लिए भी ऐसे कहा जा रहा है कि बीजेपी की को ज्वाइन करने के बाद सभी दलों के जो अपराधी हैं, जो राजनेता अपराध में लिप्त होते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, अभी जो हमारे हसन भाई ने कहा है बड़ा हास्यास्पद है, बड़ी माफियाओं की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ बोल रहे थे, अभी जनता समझेगी जब ये देखेगी। और इसको हम थोड़ा शॉर्ट करके बताएंगे कि माफियाओं का दौर शुरू कब से हुआ। जब से भारतवर्ष की राजनीति में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जातिगत आधार पर पार्टियां बढ़ना शुरू हुई, और मैं बहुत खुल के जिम्मेदारी से बोलता हूँ, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से माफियाओं को संरक्षित किया, उनको पोषित किया, उनको समाज के बीच में उतारा,
और उनके भाई आतंक के डर को बिठा कर आपने देखा होगा किस तरीके वोट लेने का प्रयास किया। बीजेपी में आने के बाद कैसे माफियाओं के पाप धुल जाते हैं, सवाल ये है। मैं पूछ तो रहा हूँ, कौन सा माफिया है जिसके पाप धुल गए, कौन सा माफिया है जिसके पाप धुल गए जो भाजपा में आ गया, वो बता रहे हैं कि उसके पाप धुल गए, बताइए भाई साहब। मैं एक माफिया का नाम, देखिए मैं पर्टिकुलर किसी माफिया का नाम लूंगा तो वो माफिया मेरे ही पीछे लग जाएगा। इसलिए आप भी जानते हैं महाराष्ट्र से लेकर पूर्वांचल तक माफियाओं की एक लंबी फहरिस्त है जो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम उनके ऊपर किसी तरह की कोई नकेल नहीं है। प्रदेश की बात हुई, हमारे साथ एक कानपुर की मशहूर शख्सियत भी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। अनु अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। कानपुर की शख्सियत हैं, तमाम लोग आपसे मिलते रहते हैं और आपसे बड़ी उम्मीद भी रखते हैं क्योंकि आप चुटकीले अंदाज में तमाम ऐसे सवाल कर देते हैं व्यवस्था से जो आसानी से पूछे नहीं जा सकते, लेकिन आपका अंदाज निराला रहता है। ऐसे में कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में विकास हुआ है या विकास के नाम पर छलावा हुआ है? देखिए कानपुर में विकास हुआ, जैसे हमारे कमरे में पुताई हुई, अभी हमने अपने छत चू रही थी उसकी, वो डलवाई, नई स्लेब डलवाई, तो इस तरह के तो विकास हुए हैं। लेकिन हमारे बच्चे जब क्रॉसिंग में फंस जाते हैं, रेलवे क्रॉसिंग में, और 20-20 मिनट तक रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती है, बिलक बिलक के रोते हैं, तो ये विकास नहीं हुआ। सड़क पे जाम लगता है, वो विकास नहीं हुआ। बाकी अगर वैसे देखा जाए तो सड़कें चौड़ी हुई हैं, लोगों ने रूल फॉलो करना चालू किया। कन्नौज अब 45 मिनट की रास्ता हो गई, जो 2.5 घंटे में पहुंचते थे, लखनऊ 1 घंटे में पहुंचने लगे। इस तरह के तो विकास हुए, लेकिन अभी कोई ऐसा विकास नहीं हुआ कि हम अपने लड़के से कहें कि बेटा अब हम दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, तुम जो विकास करा रहा उसका दामन थामे रहना। अभी तक का कोई ऐसा विकास पुरुष कानपुर में आया नहीं। 1947 से रेलवे लाइन बीच में घुसी पड़ी है कानपुर के, टोल प्लाजा हम लोगों को जरा से दूर जाने में देना पड़ता है, ना उसका कोई जुगाड़ बना कि कानपुर वाले कानेपुर में टोल प्लाजा दे रहे हैं, ना रेलवे लाइन हट रही। हाँ ये ज़रूर है कि माफियाओं पे तो नकेल कसी है, जो एक दहशत थी बदमाशों की वो ख़त्म हुई है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, सवाल जो है बहुत अहम उठाए, लेकिन इस दौरान हम आ गए सीसामऊ नाला के पास। ये सीसामऊ नाला है और सीसामऊ नाला बंद होने को कहा गया था और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सेल्फी भी खिंचवाई थी और कहा था कि नाला पूरी तरीके से टैप हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से अभी भी पानी गिर रहा है, यानी कि वो वादा वफा नहीं हुआ जिसको वादा किया गया, वादा करने के बाद इसे पूरा करने की बात भी कही गई। हमारे साथ धार्मिक गुरु भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, जब इस तरीके की तस्वीर आप देखते हैं गंगा में, इस तरीके से नाला गिर रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या निकलता मुँह से आपके? देखिए अब सनातन युग आ गया है और अब तो एक बह रहा, पहले बहुत बह रहे थे नाले, अब बहुत कुछ सुधार हुआ है। पहले आचमन के लायक जल नहीं था गंगा जी का, अब आचमन के लायक जल हो गया है। अब रही बात, ये धीरे धीरे सुधार होगा, बहुत सारे नाले बह रहे थे, बहुत कम हो गए हैं, अब एदा कदा रह गए हैं, वो भी सरकार प्रयासरत है उसमें। गंगा के विकास के लिए तमाम काम हुआ, घाटों पर बहुत काम हुआ है, साफ सफाई देखने को भी मिलती है, लेकिन जब नाला इस तरीके का गिरता है तो मन से क्या निकलता है? कहीं ना कहीं इस विषय को भी ध्यान में लाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले अगर 2017 के पहले किस नाले की तस्वीर देखेंगे तो जो नाले, जो अभी नाला गिर रहा है, इसका 100% आप मान लीजिए पानी, गंदा पानी नाले में, गंगा जी में मिलता था आगे। वर्तमान में ये स्थिति है कि उसका 1% जो है पानी कहीं से आ रहा है, उसकी भी जैसे प्रवक्ता जी ने बताया है कि जांच की जाएगी। जिस हिसाब से पहले गंगा जी को दूषित किया जाता था, जब सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ था उस समय प्रियंका गांधी आई थी और उन्होंने आचमन करने से मना कर दिया था, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बिठूर घाट में प्रियंका गांधी ने गंगा के जल को आचमन करके उन्होंने ही स्पष्ट किया कि गंगा का जल कितना साफ हुआ है, कितना शुद्ध हुआ है और गंगा कितनी निर्वल और अविरल हुई है। सनातन को लेकर के बहुत बात कर रही है सरकार, तमाम सियासी दल जब कभी सनातन का विरोध करते हैं तो वोटर्स के निशाने पर आ जाते हैं, पार्टियों के निशाने पर आ जाते हैं। क्या लगता है आपको सनातन को लेकर कितना काम किया है सरकार ने? मैंने कहा नहीं, अब सनातन युग आ गया है और देखिए इतना अद्भुत भगवान श्री राम जी का दिव्य विग्रह स्थापित हो गया, राम मंदिर बन गया, जिसके लिए 500 साल से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, लोग लड़ाई लड़ रहे थे उसकी, और आज वो सफलता मिली, ऐसा लग रहा है मानो वास्तविक राम युग आ गया हो। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वह कानपुर की क्या समस्याएं देखते हैं और क्या लगता है समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ काम हुआ है। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है कानपुर की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिन्हें हाल के वर्षों में दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है? मेन समस्या यहाँ की क्रॉसिंग है, जो रेलवे लाइन अनवरगंज से मंदना तक है, उसकी वजह से शहर दो पार्टों में डिवाइड हो रहा है, जिसके लिए
माननीय सांसद पचौरी जी ने बहुत प्रयास किए, एलिवेटेड रोड ट्रैक पास भी हो गया है, वो समस्या बहुत जल्दी ही दूर होने जा रही है। अब इस आचार संहिता के बाद उसका प्रकरण शुरू होने जा रहा है। जाम की समस्या कानपुर शहर में बहुत बड़ी है, कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है कानपुर में क्या वास्तव में जाम की समस्या बहुत बड़ी है? कितनी बड़ी समस्या मानते हैं इसे आप? समस्या तो है जाम की बहुत बड़ी, ये पूछने की विषय ही नहीं है, आपको भी पता होगा, आप खुद इससे जूझते होंगे, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, सभी लोग इससे इसमें प्रॉब्लम में है, जाम की समस्या तो अभी भी है। कानपुर में और कौन सी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं आपको, जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है? समस्याएं तो बहुत हैं, अगर देखा जाए एज अ कॉमन पर्सन तो डेवलपमेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के तौर पे अभी बढ़नी है कानपुर में। ये बताइए, क्या लगता है कानपुर की क्या सबसे बड़ी समस्या है? कानपुर की सबसे बड़ी समस्या रेलवे क्रॉसिंग है और रोड है, क्योंकि रोड में आप कहीं भी निकलेंगे अधिकतर जगह गड्ढे रहते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं उससे मतलब कि पीठ में भी दिक्कत होती है, गाड़ियों में भी दिक्कत होती है, इससे कहीं से निकल नहीं पाते हैं, और धूल गर्दा बहुत है, मेट्रो का काम जब से चल रहा है अब से और समस्या हो गई है। भाई साहब, आप बताइए चुटकीले अंदाज में, कानपुर के जाम में अगर कोई फंस जाता है तो क्या क्या समस्याएं पेश आती हैं, किस तरीके से दिक्कतें होती हैं उन्हें? देखिए, कानपुर की जो सड़कें बनी हैं उस समय 12 लाख आबादी थी, इस समय आबादी है 50 लाख, गलियां वही हैं, रोडें वही हैं, टोटल हम लोग ट्रैफिक पुलिस पर डाल देते हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की भी गलती होती है, हम लोग क्या करते हैं गाड़ी उसी दुकान के सामने रोकते हैं जहाँ से हमको सामान खरीदना होता, भले वहाँ दो गाड़ी पहले से खड़ी, अगर हम लोग थोड़ा बुद्धिमानी से काम लें, चार कदम आगे बढ़ के गाड़ी खड़ी करें, रोड पे ना गाड़ी खड़ी करें तो जाम नहीं लगेगा, हम लोग चलती गाड़ी रोक के बात करने लगते हैं, हम लोग आड़ी तिरछी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है विधायक जी हमारे मित्र हैं, सांसद जी हमको जानते हैं, क्षेत्रीय पार्षद हमारे मित्र हैं, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा कमिश्नर समझते हैं, पूरी गलती कानपुर के नागरिकों की है ये जाम लगाने में, अगर ये अपने आप में सुधार कर लें तो हमका तो लग रहा है कि पुलिस की ज़रूरत है ना पड़ी, कई शहर ऐसे हम जाए थे देखे थे वन पुलिस रहती ही नहीं और जाम भी नहीं लगता, और कानपुर में पुलिस बढ़त चली जा रही, होमगार्ड बढ़त चले जा रहे हैं, लेकिन जाम की समस्या ज्यों की त्यों है, एक मतलब कहूँ ना कहूँ गलती हम ही लोगों की है। नहीं देखिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है कानपुर का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर ही विकास होता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपने देखा होगा कि अनवरगंज से लेकर हम उसको मंदना फरुखाबाद कन्नौज तक ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमको एक दूसरा रास्ता निर्यात करना पड़ेगा जो संभव नहीं है, और जब निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जब बहुत तेज़ी से बढ़ता है, विकास बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो जाम की समस्याएं आती हैं, हम इसको डिनाई नहीं करते। सपा विधायक हसन रूमी जी हैं, आप ये बताइए भाई साहब, क्या लगता है कानपुर का कितना विकास हुआ है 5 सालों में? देखिए, हमारे सभी साथी कानपुर के निवासी पहले बताया कि विकास की भी बात कर रहे हैं और तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, कानपुर के अंदर जो हमारा कानपुर का गौरव था उसकी बात शायद किसी ने नहीं की, ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर के नाम से पूरे विश्व में हमारा शहर मशहूर था, और क्यों मशहूर था, क्योंकि उस ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर के नाम से यहाँ पर जो मिलें चलती थी, लाल इमली थी, विक्टोरिया मिल थी, ये सारी मिलें ऐसी थी कि जब विदेशों से यहाँ कानपुर में कोई आता था तो ये पूछता था उतर के कि हमें लाल इमली की लोई चाहिए, हमें लाल इमली की का कंबल चाहिए, ये सारी चीज़ें कानपुर में एक सपना थी और उस सपने को साकार किया था तत्कालीन सरकारों ने, लेकिन उन किसी परिस्थितियों में जब वो बंद हो गई तो अब ये डबल इंजन की सरकारें और तमाम दावे करती हैं अगर ये हमारे स्वरूप को बहाल कर देंगी तो मैं निश्चित रूप में हमारी लाल इमली को बहाल कर दे, हमारी विक्टोरिया मिल को, और ये सब कांग्रेस का समय बंद हुए सभी, कांग्रेस का समय में आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में, मैं कह तो रहा हूँ कि तत्कालीन सरकारों में बंद भी हुई और चली भी हैं, और उनको चलाने के नाम से और अपने तमाम वादों से कि हम ये मिले चला देंगे, डबल इंजन की सरकारें हुई, तमाम लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये तो चलना दूर की बात रही, अब जो हमारे कानपुर शहर का दूसरा ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर को नाम जिंदा रखने का एक व्यवसाय था, एक व्यापार था, जिससे लाखों लाख लोग 10 लाख लोग प्रतिवर्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोज़गार पाते थे, आज वहाँ पर यह हालत है कि वो टेनरी और चमड़ा उद्योग है,
उस चमड़ा उद्योग को करने वाले को दुश्मन की नज़र से देखा जाता है। ये महसूस किया जाता है कि अमुक संप्रदाय का आदमी होगा, ये पता नहीं कौन सी एक संप्रदाय नहीं, गंगा गंदी करने की बात है, गंगा में पानी जाने की बात है। अभी आप गंगा गंदी करने की, गंगा जी हमारी जहाँ से आपने इस स्टीमर को शुरू किया था और बीच में सीसामऊ नाले का आपने देख लिया, जो पूरी गंगा जी को गंदा प्रदूषित करता है, उसका अगर आपने सैंपल देखा तो अपनी इस स्टीमर को घुमा दीजिए वहाँ पर और एक भी टेनरी का नाला वहाँ बह रहा होगा, तो मैं यहीं पर आपसे कहूँगा कि ये लोग जिम्मेदार है, तत्काल इनको बंद किया जाए। सारे ट्रीटमेंट प्लांट सरकार को बनाना था, सारे ट्रीटमेंट प्लांट सरकार, जो भी डोमेस्टिक गंदगी है, उस डोमेस्टिक गंदगी का सारी जिम्मेदारी चमड़ा उद्योग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, चमड़ा उद्योग सरकार की लापरवाही से बंद हो रहा है। क्यों भाई साहब, क्या लगता है कि चमड़ा उद्योग बंद हो रहा है केवल सरकार की लापरवाही की वजह से, सरकार जो एसटीपीस है उनको सही से चला नहीं पा रही है? देखिए, सरकार की लापरवाही नहीं, इसमें तो निश्चित तौर पर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हसन साहब का जवाब दे रहा हूँ कि जो नॉर्म्स है, जो ट्रेनरी चलाने के नॉर्म्स है, उन नॉर्म्स को पूरा करने का काम अगर अन्य सरकारों के समय से किया जा रहा होता तो आज ये स्थिति ना होती। आज सरकार को ये कहना पड़ता कि आपके पानी से गंगा प्रदूषित हो रही, इसको नहीं चलाइए।